नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने जनपद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में बताएंगे आपको। सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने अपने रुझान देने शुरू कर दिए हैं बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा पर। जनता ने बरसाए हैं लाठी और इसी के साथ में गाली के साथ दिया है विश्वास। बताएंगे दोस्तों क्या है ये पूरी अपडेट, इसकी जानकारी विस्तार से। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोलकाता म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के रिजल्ट में खेला होबे एक बार फिर से। बंगाल में स्थापित हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सीट में गिरावट देखने को मिला है, तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बन चुकी है। दोस्तों क्या है पूरे आंकड़े, इसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन होते हुए देखते हैं और सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि किस रफ्तार से उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल चलने वाली है। सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश में बीते रविवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना इलेक्शन का कैंपेन शुरू किया गया, जहां पर तकरीबन 6 बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग इलाकों के अंदर उतारा गया था और जन विश्वास यात्रा बीजेपी ने निकलवाई है। यानी दोस्तों गाड़ियां निकल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर, योगी आदित्यनाथ सरकार के तथाकथित विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जन विश्वास यात्रा को बलिया से शुरू करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे, जिन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविवार से ये यात्रा रवाना कर रखी है। दरअसल दोस्तों कई सारे इलाकों के अंदर बीजेपी का ये जन विश्वास यात्रा घूम रही है, जहां पर बलिया से एक बड़ी अपडेट है आपको बता दे। बागी बलिया के तौर पर जाने जाने वाले इस जिले ने बीजेपी नेता को बताया है कि किस तरीके के जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उनकी सरकार को लेकर रुझान है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। दरअसल दोस्तों जब बीजेपी की गाड़ी जिस पर जन विश्वास यात्रा का स्टिकर लगा हुआ घूम रहा था, तब लोगों ने इसका जोरदार विरोध करते हुए लाठी डंडों से इस यात्रा पर हमला किया है। वहीं पर दूसरी ओर गाली गलौज करते हुए बीजेपी नेताओं को अपने इलाके से बाहर का रास्ता दिखाया। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा को आम जनता के लट से आशीर्वाद मिल रहा है। इसी बीच एक और जानकारी की माने तो कोलकाता म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के अंदर एक बार फिर से खेला हो गया। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने बीजेपी दूसरे नंबर की जो छोड़ी है तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई है और एक बार फिर से कोलकाता पश्चिम बंगाल ने खेला कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम की 134 सीटों पर जीत हासिल की है और तकरीबन 4,959 ऐसे बड़े बड़े मार्जिन से सीटें हासिल की है, जो अपने आप में राज्य के अंदर टीएमसी की जोरदार लहर के संकेत देता है और बताता है कि ममता बनर्जी के सामने भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। लेफ्ट पार्टी को बीजेपी से ज्यादा वोट शेयर मिला है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी राज्य के अंदर दूसरी पार्टी विधानसभा चुनाव में बनी थी और बड़े बड़े दावे करते हुए कह रहे थे कि राज्य के अंदर मुख्य विपक्षी वही है, लेकिन अब जनता ने बीजेपी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। कोलकाता के अंदर कोलकाता नगर निगम के चुनाव में 144 सीटें थी, जिसमें से 134 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है। बीजेपी को केवल 3 सीटें, लेफ्ट को 2 सीटें और अन्य निर्दल विधायक को 3-3 सीटें मिली है। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी को तकरीबन 71% वोट मिला है, जबकि बीजेपी को 8%, लेफ्ट को 11% और कांग्रेस पार्टी को 4% वोट मिला है। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से आगे लेफ्ट गठबंधन वोट शेयर के मामले में आगे निकल चुका है, जबकि टीएमसी ने रिकॉर्ड तोड़ जन समर्थन इकट्ठा किया है, तकरीबन 71% वोट पड़ा है, जो अपने आप में इस बात को स्पष्ट करता है कि ममता बनर्जी के सामने राज्य के अंदर कोई भी विकल्प दूर दूर तक नहीं है। ममता बनर्जी को एक तरफा लोग अपना समर्थन देते हैं, 71% तक का मतदान टीएमसी के पक्ष में हो रहा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ मतदान है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बड़ा दावा, कहा आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे सतीश चंद्र मिश्रा। आपको बता दें कि बीएसपी के बड़े नेता को लेकर यह ऐलान किया गया है। दरअसल दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर सिरमौर बनाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टी अलग अलग तरीके से यात्राएं निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश के अंदर विभिन्न इलाकों से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, जिसका हर्ष आप लोग जानते हैं किस तरीके का हुआ है। पूर्वांचल में जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार विरोध हो रहा है। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने दावा किया है कि जन विश्वास यात्रा का मकसद जनता के बीच में जाना और जनता से विश्वास इकट्ठा करना है। इसी के साथ में उन्होंने जो बड़ा खुलासा करते हुए दावा कर दिया है कि सतीश चंद्र मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यानी दोस्तों बीएसपी के नेता को लेकर इतना बड़ा उनकी तरफ से दावा किया गया है, क्या इसके पीछे कोई हकीकत है या फिर बीएसपी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा इस पर कोई जवाब देंगे, तो आप तक लगातार पहुंचाएंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले, राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में शुरुआती रुझान में बीजेपी का बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी ने कोटा जिले के परिषद सीट पर जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि राजस्थान के बल्लभ नगर और धारियावाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और फिर अलवर धौलपुर पंचायत राज चुनाव के बाद एक बार फिर से प्रदेश के अंदर चुनावी बिसात पूरी तरीके से बिछ गई है और जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं उसमें 137 सीटों पर चुनाव के नतीजे सामने आए और जिला परिषद कोटा के नतीजे लगातार आने जारी है। 20 पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 5 के आसपास सीटें जीत चुकी है। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर निकल चुकी है। वहीं पर कर्नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के
के मामले को लेकर बीजेपी को घेरते हुए शिवसेना ने जोरदार हमला किया है। शिवसेना ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर वोट मांगने वाले कर्नाटका में उनके प्रतिमा पर हुई तोड़फोड़ के मामले को लेकर चुप हैं, दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा को तोड़फोड़ करने की पुष्टि में अशांति पैदा करने के आरोप में महाराष्ट्र एकीकरण समिति को प्रतिबंध करने की चुनौती कर्नाटका की सरकार को दी है। राउत ने संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा है कि केंद्र इस मुद्दे को लेकर दोहरा मापदंड अपना रहा है। मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की और कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी के लोग वोट मांगते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब उनके सम्मान की बात है, उनके प्रतिमा पर आघात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात है, तो बीजेपी के लोग पीछे हट रहे हैं, यानी दोहरे मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। संजय राउत ने संवाददाता से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। एक और जानकारी की माने दोस्तों तो कोलकाता के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ममता बनर्जी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्य में विकास को और तेज करने की हुंकार भरी है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।